नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, हम मौजूद हैं चेयर लिफ्ट पत्रियाटा में और यहाँ पे हमारे साथ चेयर लिफ्ट में मौजूद हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम जी इजाज़ भट है और मैं इस पूरा प्रोजेक्ट जो है उसको हेड कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ एज ए मैनेजर पत्रियाटा और मरी रीजन। आपके पास कितना स्टाफ है? आपके पास? हमारे पास ओवरऑल इस मरी में इंक्लूडिंग पत्रियाटा को तकरीबन 80-90 के करीब लोग हैं जी। तो कितने टाइम से लिफ्ट बंद है? सर, लिफ्ट को आपको पता है जैसे ये पेंडेमिक आया है तो तब से ही बंद है लिफ्ट जो है, और 2 महीने हो गए, 2.5 महीने तकरीबन। लिफ्ट बंद होने की वजह से कौन से मसाइल आपको दरपेश हैं इसमें? सर देखें, सरे दस्त तो वही हैं जो पूरे पाकिस्तान में लोगों के मसाइल हैं। हमारा चूंकि ये एक ऑटोनमस डिपार्टमेंट है और हम अपनी सैलरीज जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट से ही निकालते हैं लोगों की, तो ज़ाहिर है ये 2 महीने से अगर बंद है तो लोगों की सैलरीज़ का इशू है, मसले हैं उसमें, बहुत सारे मसले हैं इसके साथ जुड़े हुए। मैं सिर्फ ओनली एम्प्लॉइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है उसके लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आते हैं, लिफ्ट चलती है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से लोग जब आएँगे तो वो उनकी रोटी रोजी का मसला है, बाज़ार चलेंगे, दुकानें खुलती हैं, फिर इसी तरह हमारे जो लोग हैं उनकी भी रोटी रोज़ी इसी से चलती है। तो वी होप इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे, गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि ये जितना जल्दी ये हम इसको समेट सकें, इस वबा को, इस बीमारी को, इस तकलीफ़ को, ताकि ये जितना जल्दी चलेगा उसमें मुल्क की इकॉनमी, हमारे इस एरिया की इकॉनमी अपलिफ्ट होगी, लोगों के हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल होपफुल हैं कि 15 जून के बाद जो एक लाइन दी है गवर्नमेंट ने उसके बाद ये ओपन होंगी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम रेडी हैं, वी आर रेडी। अगर हमें गवर्नमेंट 1 घंटे के नोटिस पे कहे ना जी कि आपने ये चेयर लिफ्ट चलानी है तो हम चला सकते हैं बिल्कुल इसको। अच्छा, पर हेड क्या होता है इसमें? टिकट जो है जी। सर टिकट इसका ये है कि ये पाकिस्तान की तो वैसे ही जो फर्स्ट चेयर लिफ्ट है दैट इज़ कम्प्राइजिंग ऑन वन, ये आप जो चेयर लिफ्ट देख रहे हैं उसके बाद फिर अटैच इसके है केबल कार सेटअप जो है, तो ये कुछ 3 किलोमीटर का सारा सिस्टम है और बड़ी रीज़नेबल इसकी प्राइस रखी हुई है गवर्नमेंट ने, वो कुछ 600 के करीब है। इसमें बच्चों को डिस्काउंट है। मंथ खोलती है लिफ्ट को तो उसमें फिर SOPs जो जारी होंगे तो उस उन पर किस तरह अमल दरामद आप कराएंगे? क्या नहीं साहब, आपका ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त पूरे मुल्क में हैं तो हमारा ये है कि हम उस हवाले से भी इक्विप्ड हैं 100% कि हमारे पास इसको तमाम एरिया को सैनिटाइज करने का अरेंजमेंट है, हमारे पास अपने तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके लिए मास्क हैं, उसके बाद हमारे पास आप ये समझ लें कि ग्लव्स हैं, फिर यह है कि टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ के लिए भी हमने एंट्रेंस पे ना बल्क की सूरत में ख़रीद के वो मास्क वगैरह रख दिए हैं कि जो लोग अगर ना लेके आएँ तो, चूँकि पूरा एक सारा सिस्टम है जिसमें बेशुमार लोग होते हैं तो उनको भी वो प्रोवाइड कर दिए जाएँ ताकि वो भी जब ये अवेल करें तो सेफ़ और सिक्योर हों। मतलब आप इसको मैनेज कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि हमें 1 घंटे का नोटिस चाहिए और वी आर रेडी अपने ऑपरेशन के हवाले से, अपना जो सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से, टूरिस्ट की इस पेंडेमिक के हवाले से, वी आर 100% रेडी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।